हंसावास और आदमपुर स्टेडियम का मैच, बड़ा जबरदस्त मैच। अंकुश जड़ को पहली रेड के अंदर जबरदस्त कैच लगा दी है। हरियाणा 3 नंबर की जर्सी का प्लेयर जतिन गांव सांजरवास, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट का ये गांव पड़ता है दोस्तों। बड़ा अच्छा रेडर है। पाई की टीम के सामने इस प्लेयर ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था आदमपुर के टूर्नामेंट में। और इस टीम में प्रो कबड्डी के 2 स्टार प्लेयर मोहित उर्फ बाबा और स्मिथ सांगवान गांव आदमपुर डाडी। अच्छी टीम है, रेडर भी दोनों अच्छे हैं। तीसरा रेडर स्मिथ भूमिका निभाएगा आज ऑलराउंडर की, और स्मिथ के साथ साथ दीक्षित लेफ्ट की रेडर और लेफ्ट का कवर डिफेंडर और रेडर दोनों करता है, यानी कि ऑलराउंडर प्लेयर है दोस्तों। बहुत ले जा पावर बैंक सी टाइप को कौन खेल चार्ज फुल ना फुल करके लाया। और रेड पे स्मिथ सांगवान ऑलराउंडर प्लेयर है, रेड करता है, जंप भी बड़ा अच्छा लगाता था दोस्तों। पहले रेड ही लगाया करता था स्मिथ, फिर रेड पे चला हंसावास की तरफ से। अंकुश पे अटैक किया जा रहा है शुरुआती दौर में ही। दीक्षित फिर चला रेड पे। दोनों टीमें पड़ोसी टीमें एक दूसरे की, बिल्कुल पता है गेम का लेवल। और टो टच किया है और जरूर चला रेड पे, डू एंड डाई रेड है। जरूर चला रेड पे, उल्ट फेर का बड़ा अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों, इतना हड़के में नहीं ले सकते जरूर को आप। अंकुश उर्फ जरड़, लेकिन जैसे ही बताया था मैंने वैसे ही कार्य करता हुआ जरड़। जतिन को रोकना होगा। इस बार अच्छी कैच लगाई है, डबल थाई होल्ड थाईज पे गए। बड़ा बेहतरीन डैश लगाया जरड़ के ऊपर। पूरा अटैकिंग गेम है आदमपुर टीम का, लीला अकेडमी का। स्मिथ सूझबूझ से रेड करता है राइट लेफ्ट कॉर्नर।
डू अंडा ही रटा चुकी है। चैन टैकल बड़ा बेहतरीन लगाया, स्मिथ ने खुद जिम्मा संभाल रखा अपनी टीम का। बड़ी सूझबूझ के साथ कैच लगाई है सुनील ने, बिल्कुल सेकंड मैन खड़े थे लेकिन इतना परफेक्ट कैच, बिल्कुल हाथ को काटा, पावर को काट के बिल्कुल बगल भरी और स्पोर्ट बड़ी टाइम की आई भाई दोस्तों, माननी पड़ेगी। तो हाफ टाइम सॉरी टाइम आउट के बाद मैच की शुरुआत फिर हो चुकी है। जतिन को इस बार फिर शिकार बनाया सच, सुनील ने, सुनील गाम जीतपुरा कोटा यूनिवर्सिटी का प्लेयर रहा दोस्तों, ये कोटा यूनिवर्सिटी के लिए खेल चुका है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। दो कैच मुख्य रेडर जतिन और सुमित ऑलराउंडर प्लेयर जो आज भूमिका निभाता हूँ अपनी टीम के लिए, बड़ी अहम और मुख्य समय पर कैच लगाई। और जिस तरफ यदि जरड़ का कैर देखने को मिला तो आदमपुर टीम को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अभी तक अच्छा खेल रही है टीम, डिफेंस में भी बेहतरीन कार्य करती हुई टीम। और जरड़ चला रेड पे, इस प्लेयर ने रेड आर्मी जैसी टीम, मजबूत टीम जिसमें मनजीत जैसे दैया जैसे सुपरस्टार प्लेयर, देवांग सिंहपुरा, राहुल शेखपाल, अंकित और एक दो कितने अटेम्प्ट लिए जा रहे हैं, चेक करना पड़ेगा दोस्तों। दीक्षित है रेड पर दोस्तों, दीक्षित पे आक्रमण करेंगे तो ये नुकसानदायक। इस बार अच्छी कैच लगाई है, जरड़ खुद रेड करने के लिए बिल्कुल उत्साहित है। डिफेंस में बचा मोहित, रवि और लेफ्ट कवर मोहित और बाबा हरियाणा स्टीलर्स के लिए खेलता दोस्तों, ये बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन जो सामने टीम है वो भी किसी से कम नहीं आ सकते, प्रो कबड्डी नहीं खेले तो नहीं लेकिन प्रो कबड्डी जैसा लेवल है इन प्लेयरों का, दम रखते हैं। जो प्लेयर इंटरनेशनल स्तर पे खेलते हैं उनको टक्कर देने का दम रखते हैं। इसी जड़ ने, अंकुश ने चार नंबर की जर्सी ने जो सुमित की किट पहने हुए खेल रहा है, चमारिया गांव के अंदर बड़ा अच्छा खेल दिखाया था दोस्तों, टच किया है बिल्कुल अंदर जाके, बेहतरीन टच लगाया है, मजबूर कर दिया टीम। पलंटी बचानी होगी तो मोहित और बाबा ही बचा सकता है क्योंकि अंतिम रेडर मान सकते हैं इसको। रवि डिफेंडर है, पूर्णतः डिफेंडर है, बोनस की अटेम्प्ट ली है, बोनस की ट्राई ली है और बोनस बिल्कुल दे दिया गया ऑफिशियल द्वारा और बिल्कुल क्लियर बोनस किया है। अब जरड़ को बच के रहना होगा मोहित से, मोहित बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर है क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स के अंदर खेल चुका है प्रो कबड्डी में, और दोनों को शिकार बनाया दोस्तों एक ही रेड के अंदर पूरी की पूरी। दो प्लेयर बचे थे उनको आउट किया है और दो पलंटी के मिले। स्कोर की तरफ चलते हैं, स्कोर जानते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंटों की लीड में चली गई दोस्तों टीम हंसाबास बी की और आदमपुर की टीम इसमें 5 पॉइंटों की लीड से पीछे, 13-8 का स्कोर है। जिस टीम में प्रो कबड्डी के सितारे हों वो टीम 5 पॉइंटों से पिछड़ के पीछे चलती हुई
जतिन को अब तक बिल्कुल शांत रखा है टीम। हंसाबास बी की टीम ने वाइब्रेंट स्कूल हंसाबास, जतिन को बिल्कुल स्कोर नहीं दे रहे, अटैक कर रहे हैं बिल्कुल कभी थाइज के पेपर। और इस बार बी अटैक और बिल्कुल सफल है दोस्तों, बड़ा जबरदस्त खेल दिखाती हुई टीम, वही खेल देखने को मिलता हुआ जो चुमारिया के अंदर भैंसवाल की टीम के सामने मीतू शर्मा और विकास खंडोला जैसे रेडरों को बिल्कुल चित कर दिया था, आज वही कार्य करती हुई टीम। और अब चला रेड पे जरड़ दोस्तों, इस खिलाड़ी का बड़ा नाम है, बड़ा पावर और स्पीड के साथ खेलता है और टच करके मोहित को बिल्कुल रनिंग हैंड टच लगा दिया मोहित के ऊपर, दबाव में आ चुकी है टीम आदमपुर की। स्कोर बढ़कर हो चुका है दोस्तों इस समय 15-8, 7 अंकों की लीड में चली गई है, बिल्कुल सेट हो चुकी है टीम, बड़ा शानदार खेल दिखा रही है। और इस बार 2 पॉइंट बड़े बेशकीमती पॉइंट दीक्षित ने प्राप्त किए हैं, डिफेंस फुल ऑन, जरड बिल्कुल अपनी पटरी पे दोस्त, जरड की रेल है जो अपनी उत्साह के साथ खेलता हुआ, वही फिर करा कर दी जरड ने, दोनों के दोनों लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर अटेम्प्ट लिया, 2 पॉइंट की मांग की जा रही है, जरड की रेल। जतिन को बिल्कुल आज शांत करके रखा हुआ टीम, सुनील के द्वारा हल्की सी गलती देखने को मिलती हुई, लेकिन जरड ने खुद ने जिम्मा संभाला हुआ है, अकेले मैच की रेड मारने का दम रखता है जरड। और जरड की टीम का कोच है पोली गाम जीतपुरा और आमिर खान, इमरान खान सोनी। सारे के सारे दर्शक दोस्तों इस मैच के ऊपर फोकस बनाए हुए हैं, बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलता है यहाँ पे। जतिन अटैक लगातार, दो रेड्स के अंदर 2 पॉइंट प्राप्त कर किए हैं, हल्की सी राहत महसूस की है, 12-17 का 5 पॉइंटों की लीड है, जो पहले 7-8 पॉइंटों तक चली गई थी अब घटकर 5 पॉइंटों तक आ चुकी है। यहाँ यदि पलंटी लगती है तो वापसी जरूर हो जाएगी टीम। और जरड अभी तक टीम का हिस्सा, कोई टाइम आउट नहीं है, जरड ने खुद ने बोल दिया, जरड बिल्कुल वार्म अप बॉडी बिल्कुल चार जैसे में, जरड की खेलता बड़ा बेहद आकर्षक और जबरदस्त है दोस्तों। इस प्लेयर ने तो आज लाजवाब खेल दिखाया जरड ने, डिफेंस में गलती, जरड नहीं रुकेगा अब, जरड बिल्कुल, जरड की रेल बिल्कुल पटरी पे है। स्मित 6 पॉइंट प्राप्त किया, बड़ा शानदार जंप लगाया, चैन टैकल से बचना होगा स्मित से क्योंकि चैन बड़ी बेहतरीन लगाता है। और स्पोर्ट में इस बार फिर लगातार 1-2 अंक फिर प्राप्त कर चुका है, जबरदस्त। हंसाबास वाइब्रेंट स्कूल की टीम ये आज दोस्तों कहर बरपा रही है। स्मित अटैकिंग गेम खेलता है जरड, टाइम आउट बुलाया, 6 पॉइंटों की लीड में चली गई है टीम हंसाबास की। और
14 अंक है आदमपुर के और 20 अंक है हंसावास के। जरड़ अभी तक टीम का हिस्सा है। दीक्षित आया रेड पे। स्कोर दीक्षित को अभी तक शांत रखा है। बैक किक की ट्राई, बोनस पे यदि गया तो बिल्कुल परफेक्ट। और रेडर सेल्फ आउट। ये दीक्षित की बड़ी कमजोरी है दोस्तों, आज से मैंने कई पहले टूर्नामेंट में देख चुका है, 20 टूर्नामेंट में से कम 10 बार दीक्षित एक मैच में एक आधी बार तो सेल्फ आउट निश्चित होता है। टीम मूवमेंट जो फुटवर्क करता है वो थोड़ा सा एक जगह पे करता है, तो पीछे वाला पैर लंबाई ज्यादा होने के कारण सेल्फ आउट होने का ज्यादा कारण चांस रहता है। स्मिथ बाहर है टीम से, दीक्षित ऑलराउंडर पर आ रहा, जतिन बाहर है, रेडर नहीं है और जरड़ जला रेड पे दोस्तों। जबरदस्त, बिल्कुल आंगली खड़ी कर दी जरड़ ने। जरड़ का नाम बड़ा चलता है दोस्तों, ऐसे नहीं। और इस टीम का कोच है पोली उर्फ इमरान खान, और टैकल कर लिया यहाँ पे। पलंटी की कगार पे आ चुकी है टीम। और जरड़ आज लगता है मेरे को, यदि इस रेड के अंदर जरड़ एक आधा पॉइंट प्राप्त कर लेता है तो जरड़ आज आदमपुर की टीम को भी इस मैच के अंदर हराने का दम रखता है। और वो ही कर दिया दोस्तों। जतिन को बिल्कुल शांत कर दिया इस टीम ने। अंतिम 5 मिनट का खेल बाकी और जरड़ इस मैच के अंदर दोस्तों अपनी टीम को बड़ी लीड के अंदर ले गया। जीत तो नहीं कह सकते क्योंकि मैच कबड्डी खेल ही ऐसा है। बड़ी मजबूत टीम थी, टूर्नामेंट की दावेदार टीमों में मानी जाती थी ये टीम, लेकिन जरड़ ने आज सिद्ध कर दिया है। जरड़ उल्ट फेर करने में बड़ा माहिर है और दीक्षित को भी आज बिल्कुल खामोश कर दिया है। स्मिथ सूझबूझ से प्लेयर, बड़ा सूझबूझ का प्लेयर है। डू एंड डाई रेड। रवि द्वारा अच्छा टैकल, मोहित की समय पे स्पोर्ट आई। अंतिम 3 से 4 मिनट का खेल बाकी। मुख्य रेडर जरड़ और फुल ऑन डिफेंस जतिन रेड पे। अभी तक खामोश रखा है इस रेडर को दोस्तों, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। पाई जैसी टीम के सामने स्कोर किया, बड़ी बड़ी टीमों के सामने स्कोर निकाला, लेकिन आज सुनील को टच लगा है। आदमपुर टीम को स्कोर चाहिए दोस्तों और जरड़ को टाइम, और आज एक और अंक प्राप्त करता हुआ जरड़ बिल्कुल दीक्षित को टच किया है। बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है जरड़ भी, आक्रामक रूप में खेलता है, दबाव नहीं महसूस करता सामने वाली टीम से। कबड्डी का खेला मैदान होते हैं।
चाहे रण का क्षेत्र हो, जब तक आप विरोधी से सामने आपका हौसला ऊंचा होगा तब तक आप हारोगे नहीं मैच में, चाहे युद्ध में हो। एडवांस टैकल करने की चाहत में होगी टीम, और वो खेल नहीं कर सकते आप। जरण बड़ा जबरदस्त खेल दिखाया दोस्तों, जरण ने उस दिन की तरह आज भी बेहतरीन कार्य किया इस खिलाड़ी ने।